दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। शक की बुनियाद पर रिश्ते प्रताड़ित होने के बाद घरेलू हिंसा की शिकायत घायल पत्नी न्याय की फरियाद लेकर पुलिस थाना करसोग पहुंची है। ममता पत्नी ईश्वर गांव बाली ग्राम पंचायत सोजा ने अपने माता पिता के साथ पुलिस थाना करसोग में शिकायत की है कि उसके पति ने पिछले बुधवार को उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। जान बचाकर खेतों की ओर भागने के बावजूद पति ईश्वर ने क्रूरता की सभी हदें लांघकर डंडा घुसा लात चलाकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया तथा उसके बाद मेरा पति मेरे साथ 2-3 सालों से बुरी तरह से मारपीट कर रहा है और बहुत ज्यादा शक करता है, ना किसी से मिलने देता ना कहीं जाने देता है। और परसों उसने मेरे साथ बिना मतलब के ड्यूटी से आके मारपीट की, बिना मतलब के लगे लड़ाई करने से। और मैं बड़ी वहां से मुश्किल से घर से बाहर निकली, खेतों में भागी और वहां डंडे ला तो पूरी तरह से मारा सर मेरे को डंडे से। और वहां से मैं घायल होकर बड़ी मुश्किल से घर को लेके आए मेरे को वहां से। फिर कभी आंखों मारता, कभी यहाँ लात, तो मैं टांगों में पता नहीं कहाँ कहाँ मारी है सर, बुरे हाल के मेरे उठाए भी नहीं जा रहा। फिर जब वहां से बड़ी मुश्किल से मैं वहां से घर तक लाए मेरे को, और फिर मेरे को वहां कमरे में बंद करके रखा और मेरे माँ बाप मेरे को लेके आए ऊपर अब इधर हॉस्पिटल, तब जाके यहाँ बची मैं। उनसे बुरी तरह से मारते हैं सर मेरे को, वो ना बच्चों से मिलने देते हैं, बच्चे रखते छुपा के मुझसे, बच्चों के खातिर रह रही थी सर पिछले 6 महीने से उनसे मार खा रही हूँ, ना रात को सोने नहीं देते, रात को घर से बाहर जाना पड़ता है मेरे को, खेतों में वहीं रहना पड़ता है। कितने सालों से मारपीट कर रहा है वो? 2-3 सालों से मार रहा है, शक के ऊपर ही शक के करते हैं दुनिया भर का। शराब भी पीता हो? शराब पी के आते हैं रोज सर, एक दिन में तो शराब पी के रोज शराब पीते हैं। किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं वो? वेटनरी फार्म असिस्टेंट। कहाँ लगे हुए हैं? सोजा पंचायत में। सोजा पंचायत में लगे हुए हैं? बेली। जब आपको मारपीट करके उसने कमरे में बंद कर दिया तो आपको कमरे से किसने निकाला? फिर मेरे माँ बाप आए सर, वो लेके आए मेरे को ऊपर। कमरे से उन्होंने आके निकाला? हाँ जी। कैद करके रखा था उसने? रखा था, कुंडा लगा के कि ये ऊपर ना जा पाए। मैं आ रही थी अपने इधर मायके। तो आप अपने माता पिता को फोन करते? फोन नहीं करने देता बिल्कुल, नहीं बात ही नहीं करने देते फोन पे, फोन है ही नहीं मेरे पास, फोन भी छीन लिया 1.5 साल पहले, फोन भी ले लिया कि तू हर किसी से बात करती है फोन में, वहाँ यहाँ वहाँ घूमी होती है। बच्चों से बिल्कुल नहीं सर, 2-3 हफ्ते के बाद रखते हैं उनको मेरे से दूर। तो फिर आप कैसे मिलने जाते हैं? मिलने पहले मेरे को घर से निकाला था एक बार, 6 महीने तक रही मैं अपने मायके में, फिर वहां से मैं स्कूल जाती थी बच्चों से मिलने, फिर स्कूल में जब पता लगा भी स्कूल आ रही हो बच्चों से मिलने, तब वहां से भी छुपा के घर ले जाने बच्चे। फिर एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से वहां से अपने बच्चे लेके आई थी। 6 महीने पहले भी उसने माफी मांगी थी आपसे? तब सर माफी मांगी, तब वो समझौता हो गया था, तब लग गए माफी मांगे, अब ऐसा कुछ नहीं। 3 दिन तक रहे मेरे मायके में, 3रे दिन गए, फिर 3 दिन तक वहीं रहे, तब मैं बच्चों की खातिर चली गई घर, बच्चों का भविष्य आया का एक करने लड़ाई, और अब फिर वही हाल। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरे को अपने बच्चे चाहिए सर, बाकी मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं बच्चों के लिए इतनी मार खाई मैंने आज तक, मेरे को बस अपने बच्चे चाहिए। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे आप चाहते हैं ऐसा? ये तो मैं चाहती हूँ कार्रवाई करे, बच्चे चाहिए मेरे को उनसे लेने के, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए उनसे, मैंने खुद पाल लेने अपने बच्चे, मेरे को बस बच्चे चाहिए उनसे। उसे कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करते हुए बेवजह मारपीट करता है, बच्चों से भी उसे मिलने नहीं देता, वह बंधक जैसा जीवन बिताने के लिए मजबूर है। इस बारे में DSP करसोग अरुण मोदी वे मामले की जांच कर रहे बलबीर ने कहा है कि काउंसलिंग की जाएगी व नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सर, मेरी बेटी के साथ मेरा जो है मारपीटाई करता है और वो खुद नौकरी करते हैं और बेटी घर का काम पूरा करती है, पूरी जगह जमीन कुछ लाती है और जितना कर भी उनका कारोबार वो पूरा संभालती है, और इसके ऊपर जो है तो मार पिटाई करता है शोभा पर कि जो है तो घर में काम नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो इसलिए जो है तो मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई इसके ऊपर न्याय हो, जो इसके हालात मार पिटाई की हुई है, या तो वो नौकरी छोड़ के घर में रहे तो ताकि इसके ऊपर शकसूब ना करे, और शकसूब करता है कि भाई काम नहीं करती है और बेकार रहती पड़ी हुई, इसलिए जो है तो सरकार इसके ऊपर गौर करे
और हमने भी पुलिस सरकार जो तो इसके ऊपर कोई न्याय करे। ममता वाइफ ऑफ ईश्वर ने पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इसका पति इसके साथ मारपीट करता है और पहले भी करता था, जिससे इसकी आंख में व अन्य शरीरों में भी चोटें आई है, जिसका मेडिकल करवाया गया है। आज जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट हासिल की जाएगी और ईश्वर को भी थाना पर बुलाया गया है, जिसकी इन दोनों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल लाई जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून